क्रेजीज आज मैं बात करूंगा फ्यूचर सुपरस्टार तैमूर अली खान के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर स्टार, मेगा स्टार, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टार होने वाले तैमूर अली खान। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है हमारी इंडियन मीडिया, या फिर ये सिंपल तरह से कहा जाए क्यों मीडिया पीछे पड़ी है, एक नन्हे से बच्चे के पीछे पड़ी है तैमूर अली खान के पीछे। 2 साल भी नहीं हुई है अभी इसकी उम्र, लेकिन मीडिया है कि उसके पल पल की रूटीन जानती है, डेली बेसिस पर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ उसकी नैनी उसको लेकर जा रही है, उसकी उसकी मम्मी उसको लेकर जा रही है। मीडिया सबके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों सभी के सभी मीडिया के पास कुछ कंटेंट नहीं बचा है, और क्यों मीडिया वाले तैमूर अली खान के पीछे पड़े हैं, सभी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप गूगल पे सर्च मारते हो, चलिए मैं आपके सामने अभी काफ़ी चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं गूगल पे सर्च मारूंगा तैमूर अली खान के बारे में, आपको बताऊंगा किस तरह की खबरें छपती है तैमूर के बारे में। ठीक है, मैंने तैमूर अली खान सर्च मारा आपके सामने, ये आ गई ढेर सारी खबरें, देख सकते हैं पिक्स। करीना कपूर खान ग्रीट्स फैन ऑन हर बर्थडे सैफ तैमूर वेव। ठीक है, करीना कपूर ने अपने बर्थडे पर फैन से मुलाकात की, और करीना के साथ उनके बच्चे ने भी हम सबको हाय हेलो किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी न्यूज़ क्या कह रहा है। तैमूर अली खान सेज बाय टू पपराजी इज़ द बेस्ट थिंग यू विल सी वॉच। तैमूर अली खान ने मीडिया को बाय बाय कहा, पपराजी जो फोटो खींचते हैं उनको बाय बाय कहा, ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी दुनिया में जो आप आज देख रहे हो। ये है जी न्यूज़ की हेडलाइन। टाइम्स नाउ क्या कह रहा है, कजन तैमूर अली खान एंड इनाया नोमी केमू वे स्पॉटेड इन ए प्लेफुल मूड एज। इनके पास खबर नहीं है, इनके पास सबसे बड़ी खबर यह है कि आज तैमूर अली खान इनाया से मिला और दोनों स्पॉट हुए, दोनों इंजॉय कर रहे थे, ये खबर है। ठीक है, टाइम्स नाउ के पास। क्यों आखिर, क्यों इन बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट या जो भी हो तैमूर के पीछे पड़े हैं, तैमूर घूमने जा रहा है, तैमूर ने शायद नई गर्लफ्रेंड बना ली है, क्यों इतना मीडिया नीचे गिर चुकी है? जी हाँ, क्यों, ये सवाल रहेगा। मैंने इसके पहले कभी भी शायद तैमूर पे वीडियो नहीं बनाया, या बनाया होता, बनाया तो शायद उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, तैमूर अली खान एक ऐसा नाम है जो किसी शासन का था, यही मीडिया ने ही बताया था, मीडिया ने ही बकवास की थी। ठीक है, लेकिन अब यही मीडिया पीछे पड़ गई है। तैमूर सो क्यूट, सो एडोरेबल, तैमूर का फोटो आप देख ही लीजिए, सबसे बेस्ट फोटो है, आज आपका दिन बन जाएगा, ब्लू मून कुछ भी जो जिस तरह से हो सक रहा है तैमूर पे देख सकते हैं। मैं तैमूर अली खान और इमेजेस पे क्लिक किया हूँ, सैकड़ों, ना जाने सैकड़ों फोटोज़ आ जाएंगे आपको, और ये फोटोज़ ख़त्म होंगे ही नहीं। ये सिर्फ फोटोज़ नहीं है, बाकायदा इस पर भर भर के आर्टिकल्स लिखे गए हैं। देखिए, तैमूर इस जैसा दिखता है, तैमूर इस जैसा दिखता है, तैमूर ने इससे मुलाकात की, तैमूर ने लक्ष्य से मुलाकात की, तैमूर ने जाकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, तैमूर लक्ष्य से मिलने गया, तैमूर ने इसके साथ इंजॉय किया, तैमूर घूमने गए विदेश, तैमूर का पहला इंडिपेंडेंस डे है, तैमूर का सब कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आपने सोचा है, क्यों आखिर तैमूर, लक्ष्य भी एक बच्चा है, करण जौहर के भी बच्चे हैं, बहुत सा अब्राहम है इनका बच्चा, अब्राहम यानी कि शाहरुख खान का, उसके बारे में भी क्यों नहीं रोज़ बताते, रोज़ क्यों तैमूर के पीछे मीडिया पड़ी है, ये ज़रूर सबके मन में सवाल होगा। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको इस सवाल के जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सवाल उठाने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ये मैं पिछले 1.5-2 सालों से देख रहा हूँ, जब से तैमूर पैदा हुआ तब से। उसकी नैनी देखो, उसकी नैनी कितनी परेशान होगी आपको क्या पता, किसी दिन उसकी नैनी से जाके पूछो उसको कितना बुरा लगता होगा जब वो जब जाती है बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ, तो कितने किस तरह से मीडिया पेपराजी फोटोज़ खींचने के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे मीडिया हाउसेस के लिए, देखिए कई सारे मीडिया हाउसेस के लिए वो आई थिंक एक लाखों की अर्निंग है आई थिंक तैमूर। ठीक है, और उसकी नैनी किस तरह से उसको बचाती है ये आप नहीं समझोगे, देख सकते हैं टाइटल, देखिए तैमूर अली खान्स नैनी एंग्री ऑन मीडिया वाइल टेकिंग तैमूर्स पिक्चर। अरे यार, तुम छोटे से बच्चे को पिक्चर लोगे तो किसी की भी नैनी या कोई भी भड़केगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो करीना कपूर फैमिली शॉकिंग रिएक्शन ऑन मीडिया हैरेसिंग, तैमूर की पॉटी के ऊपर भी न्यूज़ दोगे क्या? ये सही कहा है, ये एकदम सही कहा है, यहाँ पर बहुत सही कहा है कि तैमूर अगर पॉटी करेगा तो उसके ऊपर भी न्यूज़ देगा क्या, ये करिश्मा और करीना के डैडी ने कहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो कैसे वेबसाइट्स का, कि क्या हो गया तैमूर को, इतना क्यों कहा जा रहा है। और अगर मैं तैमूर अली खान सर्च मारता हूँ तो मेरे को हर दिन सैकड़ों आर्टिकल मिलते हैं। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ
क्या इंडिया मीडिया इंडियन मीडिया इतना गिर चुकी है कि इनके पास कोई कंटेंट नहीं बचा है। अब उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, 5 मिनट आपको और लूँगा, ये वीडियो बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये मीडिया दिखने में कैसी है और दिखाती कैसी है और अक्ल क्या लगाती है। इनके पास न्यूज़ नहीं रहती है, इनको बस ये है कि तैमूर ने क्या किया। अब मैं ये प्रॉपर गौरव चौधरी ने ये आर्टिकल ये इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में इनके व्यूज़ देखिए, 1.1 मिलियन लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी, क्योंकि कई सारे लोग परेशान हो गए कि भैया तैमूर आखिर है क्या, क्यों इसके पीछे इतनी वीडियोज़ बन रहे हैं। मैं बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ, बच्चा बहुत ही प्यारा स्वीट है, लेकिन हाँ उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसकी नैनी जब उसको घुमा लेके जाती भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, क्यों मीडिया इतनी परेशान हो गई, उनके पास कुछ खबर नहीं बची है क्या। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बस ऐसे हो जाता हूँ। गौरव चौधरी कह रहे, व्हेनेवर इंडियन मीडिया फील्स दैट दे आर रनिंग आउट ऑफ कंटेंट देन दे सडनली स्टार्ट कवरिंग रिलेवेंट न्यूज विच इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस टू पीपल। यानी कि इन्होंने साफ साफ किया है कि जब मीडिया के पास खबर नहीं रहती तब ऐसी बकवास चीज़ें लेकर बैठ जाती है। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात है नहीं, इवन टेलीविजन मीडिया भी, वो देखो शेर किस तरह शिकार कर रहा है, उस तरह से वो बंदर कैसे छलांग मारा, वायरल न्यूज़ आज हम आपको इस वीडियो का पता लगाएंगे, ये वीडियो जैकोस्लोवाकिया किस जंगल में लिया गया, इस वीडियो की ये पड़ताल, ये क्यों ये सब न्यूज़ बना रहे, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट अच्छे बना ही नहीं रहे, लेकिन कंटेंट दिखाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कंटेंट अच्छे बना नहीं रहे और वो कंटेंट ऐसा बना बनाया दिखाना चाहते हैं ताकि कम से कम पैसे खर्चे और ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले। टीआरपी का प्रॉपर टीआरपी का खेल है, देख सकते हैं इंडियन मीडिया इज नाउ हंगर फॉर टीआरपी, सिर्फ उसको टीआरपी चाहिए, तैमूर ये करेगा तैमूर वो करेगा। और ये इसमें गलती आम लोगों की भी है कि आम लोग भी इस तरह की खबर देखना चाहते हैं, समझे, ये और बुरी चीज़ है। एवरी मीडिया हाउसेज वॉन्ट्स अटेंशन, सभी मीडिया हाउसेज को अटेंशन चाहिए, ठीक है। तैमूर अली खान सन ऑफ सैफ अली खान करीना कपूर खान इज करंटली द ब्रेड एंड बटर फॉर मीडिया हाउसेज, यानी कि कई लोगों की रोजी रोटी बना है तैमूर मीडिया हाउसेज, क्योंकि अगर उन्होंने फोटो नहीं खींचा तो उनकी नौकरी चल जाएगी, उस पर आर्टिकल नहीं लिखा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, टीआरपी नहीं आएंगी, तो वही वेबसाइट कैसे चलेगी, राइट। देख सकते जी न्यूज़ का टाइटल है, कुणाल खेमूस डॉटर इन आई एन एम लुक्स लाइक ए कार्बन कॉपी ऑफ तैमूर, तैमूर जैसे बिल्कुल दिख रही है उनकी बेटी, ठीक है, उनकी बहन की बेटी सोहा अली खान की। दूसरा इंडिया टुडे सोबिस का ये टाइटल देख सकते हैं, तैमूर अली खान ब्रशेस इज हेयर मेल्टिंग मिलियंस ऑफ फॉर्स इन द प्रोसेस में, यानी कि उन्होंने उसने अपने बाल थोड़े झाड़े, इस तरह से दुनिया पागल हो गई, ठीक है। न्यूज़ एक्स कह रहा है कि तैमूर अली खान लेटेस्ट पिक्चर वाइल कॉम्बिंग सेज विल मेक योर डे, आप उनको किस तरह से तैमूर अपना बाल बना रहे वो देखकर पूरी आपका दिन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अहमदाबाद टाइम्स का, तैमूर अली खान सीम्स टू बी गेटिंग क्यूटर बाय द डे, हर दिन तैमूर अली खान अच्छे से अच्छा सुंदर गोरा होते जा रहा है, ये है अहमदाबाद टाइम्स का टाइटल, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है बीट द मिड वीक ब्लूज विद द लेटेस्ट फोटो ऑफ तैमूर अली खान, यानी कि अपनी दिन की थकान या फिर अपना दिन सुहाना करिए जो गर्मी है, आप तैमूर का अली खान का फोटो देखकर, ठीक है। इसके अलावा आई बी टाइम्स कह रहा है तैमूर लुक्स एनॉयड एट लक्ष्य बर्थडे पार्टी, मॉमी करीना प्लेस विथ फोटोज प्लेस विथ हिम फोटोज, यानी कि तैमूर को अच्छा नहीं लगा लक्ष्य के साथ बर्थडे पर, अभी उसको अच्छा लगा नहीं लगा, तुमने पूछा उनसे, तुमने पूछा उस बच्चे से, यार खेल रहा खेलने दो ना। द क्विंट कह रहा है कि तैमूर अली खान श्योर हैज़ ए बिजी सोशल कैलेंडर और इंक्लूडिंग पिक्चर्स ऑफ द टाइनी टॉट विद तुषार कपूर लक्ष्य, यहाँ पे तुषार कपूर के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो यार ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई क्विंट के लिए, ठीक है। डीएनए कह रहा है कि सैफ अली खान गेट्स वरीड व्हेन तैमूर अली खान ट्राई टू गेट क्लोजर विद इनाया सेज सोहा अली खान, यानी कि जिस बच्चे के साथ जब नज़दीक जाता है क्योंकि मस्ती करता है बच्चे, तो उस वजह से सैफ अली खान को टेंशन होता है, ये एक बड़ी खबर है। देखिए डीएनए छापी, बहुत बड़ी खबर इनके हिसाब से। एनडीटीवी कह रहा है वायरल तैमूर गेट से किस फ्रॉम मॉम करीना कपूर एक कडल फ्रॉम डैड सैफ अली खान, यार उसके मम्मी पापा किस नहीं करें तो कौन करेगा यार, ठीक है। इसके बारे में आपको जितना भी कहा जाए लोग पागल हो चुके हैं ऐसा लगता है। देखिए बॉलीवुड गांडू ने बढ़िया लिखा है, उन्होंने कहा है कि फॉरन मीडिया न्यूज़ चैनल बताते हैं कि वी आर एक्सपीरियंस सुपर ब्लू मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स, यानी एक बड़ी खबर बताती है कि ऐसा कुछ होने वाला है असली में, सीरियसनेस। और इंडियन मीडिया बताते हैं कि आज तैमूर को पहला दुनिया का सुपर ब्लू मून ब्लड मून दिखने वाला है, तो ये है बहुत सही बताया इन्होंने। तो यहाँ पर मामला ये है कि मीडिया के पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, कंटेंट ये बनाना नहीं चाहते हैं, अच्छे कंटेंट देना नहीं चाहते हैं, और ये मीडिया के नाम पर सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है। और इनके लिए सबसे इजी कंटेंट क्या है, इनके लिए सबसे इजी कंटेंट ये है कि वो देखते हैं सोशल मीडिया टीम उनकी कि भाई पब्लिक क्या सर्च कर रही है, पब्लिक जो सर्च करी हम वही देंगे उन्हें, पब्लिक अगर घास खाना चाहती है तो हम घास देंगे, ठीक है, पब्लिक अगर मिठाई खाना चाहती है तो हम मिठाई देंगे, पब्लिक अगर करेला खाना चाहती है तो हम करेला देंगे। तो ये मेंटेलिटी है इंडियन मीडिया की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के कंटेंट अगर मीडिया में ना रहे तो आपको खुद इस तरह के कंटेंट से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेंट किसी मतलब का नहीं, जस्ट टाइम वेस्टिंग, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं मीडिया वाले, आप जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पर, उनको व्यूज़ दे रहे हो और वो कमा रहे हैं।
तैमूर कल भी देख लेना, तैमूर ये कर रहा आज, तैमूर का ये प्लान है, तैमूर हॉलीडे को जाने वाला है, तैमूर का फर्स्ट हॉलीडे है, तैमूर का बर्थडे वापस आने वाला है, यही चलता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है इस तरह के कंटेंट के ऊपर ज़रा भी ध्यान मत दीजिए, और इसी तभी जाके आपको एक अच्छी अच्छी न्यूज़ शायद मिल सकती है, कुछ ही जो व्यूज़र्स है वहाँ पर आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। चलिए फिलहाल इतना ही।